अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड आई होप कि आप सबका रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे इज़ आवर नाइन्थ लेक्चर ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स। टुडे इज़ वेनसडे 29th April 2020। So we were discussing different theories about the evolution. So we have discussed Lamarck theory and what are different, we have studied different postulates of Lamarck theory. I hope you all have understand what was the Lamarck theory and what was the criticism on Lamarck theory. And then we have studied different experiments which were either in favor of Lamarck theory or either against Lamarck theory. So today we are going to discuss another theory of evolution that is known as Darwin theory of natural selection. Why this theory is called natural selection, I will discuss it further. तो आज हम जो start करेंगे ये होगी हमारे पास Darwin theory of natural selection. So let's take a start. So first of all we will study about Darwin. So who was Darwin and what was his background? So his full name was Charles Darwin and he was born in 1809 in England. He belonged to very reputed family, like his family has a very good background, and that he was at that time, that was their family was the very one of the reputed family of the England, because his grandfather, so his grandfather Erasmus Darwin was a scientist and a poet. मैंने कहा कि इनकी जो हमारी फैमिली है बहुत ज़्यादा रेपूटेड फैमिली थी, और वो क्यों थी? बिकॉज इसके ग्रैंड फादर थे डार्विन, डार्विन के ग्रैंड फादर का नाम था इरास्मस डार्विन, वो एक साइंटिस्ट थे और पोइट भी थे। एंड हिज फादर रॉबर्ट डार्विन वाज़ अ फिजिशियन, जो उसके रॉबर्ट डार्विन जो फादर थे डार्विन के, चार्ल्स डार्विन के, वो हमारे पास फिजिशियन थे, या जिसको हम MBBS या हम लोग डॉक्टर कहते हैं। तो ये मैंने एक पिक्चर लगाई है चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। तो इंग्लैंड में पैदा हुआ है 1809 में, और चार्ल्स डार्विन उसका फुल नेम था, और वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, मींस रेपूटेड फैमिली, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। सो दैट वॉज द फादर ऑफ चार्ल्स डार्विन, नेम्ड रॉबर्ट डार्विन, ये उसके फादर थे जो कि एक फिजिशियन थे। So we will study about his education. So after early education at Shrewsbury, the city of England, he has this is their hometown. So early education उसने वहीं अपने hometown Shrewsbury में हासिल की थी। उसके बाद उसके जो father थे, चूँकि बहुत financially भी strong family थी और reputed family थी, तो he was admitted to University of Edinburgh to study medicines, ठीक है। इसके father ने उसका उनका admission करवा दिया University of Edinburgh में, फैकल्टी ऑफ मेडिसन्स में, लेकिन उसका चूंकि कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं था, उसका मेडिसन्स की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था चार्ल्स डार्विन का, तो उसने उसको छोड़ दिया। जब उसने छोड़ दिया तो चूंकि फैमिली स्ट्रांग थी, तो उसका एडमिशन करा दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, ठीक है। ये दोनों हमारे पास बहुत ज़्यादा रेपूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनकी जो फीसेज वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन चूँकि ये फाइनेंशली स्ट्रांग फैमिली थी तो वो ईजिली अफोर्ड कर रहे थे। तो फिर उसको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में थियोलॉजी के सब्जेक्ट में, थियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उनको थियोलॉजी में एडमिट किया गया, लेकिन फिर उन्होंने ये थियोलॉजी को भी पढ़ना छोड़ दिया, बिकॉज उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब वो पढ़ रहे थे वहाँ पे, सो he was he is the, was the grandfather of Darwin whose name was Erasmus Darwin. ये उनकी पिक्चर है Erasmus Darwin की, जो grandfather थे। तो जब वो थियोलॉजी पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तो उसके साथ उसके दो और दोस्त थे, दोस्त हमारे पास एक दोस्त उसका जियोलॉजी पढ़ रहा था और दूसरा दोस्त उसका बॉटनी पढ़ रहा था। तो उसका आहिस्ता आहिस्ता जियोलॉजी और बॉटनी की तरफ इंटरेस्ट डिवेलप हो रहा था अपने दोस्तों की वजह से, और एक ये रीज़न ये भी थी कि एक उस टाइम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे डॉक्टर हेंसलो, ठीक है, और वो हमारे पास डॉक्टर हेंसलो जो थे वो नेचुरलिस्ट थे, लाइक वो
नेचर को स्टडी कर रहे थे उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तो डार्विन जो है उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और डार्विन भी उन्हीं से इंस्पायर होकर डार्विन जो है वो नेचर को स्टडी करना चाहता था। तो ये चूँकि उसका इंटरेस्ट इस जियोलॉजी बॉटनी और नेचर की तरफ डाइवर्ट हो चुका था, तो उसने थियोलॉजी को क्या किया वहाँ पे छोड़ दिया। अब चूँकि वो नेचर पर नेचर को स्टडी करना चाहता था, तो अब क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू परसू हिज ड्रीम और इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ही एक्सेप्टेड अ पोजीशन एज कैप्टन ऑन HMS बीगल शिप। एक बहुत बड़ा शिप था जिसका नाम था HMS बीगल शिप। वो एक वोयज पे जा रहा था, एक बड़े ट्रिप पे जा रहा था, और उस ट्रिप पे या उस शिप पे उसने जो है कैप्टन की जॉब कर ली या एक पोजीशन संभाल ली। क्योंकि उस शिप ने जो है हमारे पास, आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्यों एज अ कैप्टन की जॉब ज्वाइन की। सो दिस शिप हैज़ टू गो ऑन अ वॉयज विच इज़ कॉल्ड बाय डार्विन अ ग्रेट वॉयज। उस शिप ने एक वॉयज या ट्रिप पे जाना था जिसको डार्विन ने अपनी बुक में ग्रेट वॉयज का नाम दिया। ठीक है, तो क्या हम पढ़ें कि सबसे पहले उसने उसको मेडिसिन में एडमिशन दिया लेकिन उसका इंटरेस्ट डिवेलप नहीं हुआ। फिर उसको जो है फिर थियोलॉजी में उसका एडमिशन कराया, उसमें भी उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, और फाइनली उसका इंटरेस्ट जो है वो नेचर की तरफ डेवलप हुआ। तो उसने एक शिप में कैप्टन की पोजीशन या जॉब कर ली, और उस शिप को एक ग्रेट वॉयज पे जाना था। उसने क्यों जॉब ज्वाइन की? बिकॉज वो जो उस शिप पे जा रहा था, उस शिप ने डिफरेंट पार्ट्स को वो करना था, एक्सप्लोर करना था। लाइक उस शिप ने जाना था साउथ अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, आइलैंड्स ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड हमारे पास साउथ अमेरिका से थोड़ा आगे, ये आई थिंक 21 और 23 इस तरह कुछ नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं जो वहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब चूँकि उस शिप ने बहुत जगहों पर जाना था, तो उसने कहा कि ये उसने सोचा कि मेरे पास नेचर को स्टडी करने का, क्योंकि वो इस ऐसे आइलैंड्स पे जाए थे जहाँ पे लाइफ जो थी पहले नहीं गई थी। ठीक है, तो जब लाइफ नहीं गई थी तो वो आइलैंड्स जो थे अपनी उसी नेचुरल हालत में मौजूद थे, तो वहाँ पे वो नेचर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता था। बिकॉज उसके इर्द गिर्द जो सिटी वगैरह थे वो सारी आर्टिफिशियल लाइफ थी, तो वहाँ पे नेचर को स्टडी करना मुश्किल था। तो चूँकि उस शिप ने इतनी जगहों पे और इन डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट आइलैंड्स पे जाना था, तो इसलिए उसने उस शिप पे एज अ कैप्टन जॉब कर ली, ताकि जिस जिस आइलैंड पे ये शिप जाएगी मैं भी उस आइलैंड पे चला जाऊंगा। ठीक है, दिस ट्रिप वाज ऑफ 5 years, ये 5 साल का ट्रिप था, और वो डिफरेंट आइलैंड्स और वहाँ पे वो घूमता रहा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्टडीड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स। तो क्या वो जिस आइलैंड पे भी वो जाके शिप रुकता था, तो ये क्या करता था कि वहाँ आइलैंड पे ये उतर के वहाँ पे उसका फ्लोरा और फाना स्टडी करने लग जाता था। फ्लोरा हम कहते हैं कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो थे, और फाना हम कहते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो जिस आइलैंड पे भी हमारे पास वो HMS बीगल शिप वहाँ पे रुकता था, तो लोग इधर उधर बाकी लोग घूमने निकल जाते थे, तो ये क्या करता था, ये नेचर को स्टडी करता था, वहाँ उसके फ्लोरा को स्टडी करता था, उसके फाना को भी स्टडी करता था। इन दिस ट्रिप ही वॉज एकम्पनीड बाय अ फेलो नेम्ड एल्फ्रेड रसल। ठीक है, ये एल्फ्रेड रसल ये इसका फेलो था, इसका एक साथी था उसी शिप में, तो एल्फ्रेड रसल इसके साथ था। और वो एल्फ्रेड रसल भी जो है उसको भी नेचर को स्टडी करने का बहुत शौक था, तो वो भी डार्विन के साथ घूमता रहता था, और जो जो चीज़ डार्विन ऑब्जर्व करता था और जिस चीज़ को डार्विन स्टडी करता था उसके साथ साथ वो भी नेचर को स्टडी कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, तो He also discovered different fossils and compared these fossils with present day organisms. ठीक है, एक तो वो क्या कर रहा था डार्विन, हर जो आइलैंड था आइलैंड पे इसलिए गया बिकॉज वो उसी टाइम वहाँ पे अभी तक ह्यूमंस की जो है वहाँ पे मदाखलत नहीं हुई थी, और वो जितने भी आइलैंड थे अपनी असली नेचुरल हालत में मौजूद थे। ठीक है, तो पहले वो फ्लोरा स्टडी करता था, फौना भी स्टडी करता था, इसके साथ साथ वो क्या करता था कि वो वहाँ के जो फॉसिल्स थे, ठीक है, उनको भी फॉसिल्स को डिस्कवर करके लाइक थोड़ा बहुत डिग करता था, और डिफरेंट जगहों पे वो फॉसिल्स देख के और उन फॉसिल्स को कंपेयर करता था विद द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिर वो चेंजेस देखता था कि भाई ये फॉसिल इतना पुराना है तकरीबन, ठीक है, और हमारे पास जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है वो अब इस तरह है, तो इस अरसे के दौरान इसने ये डिफरेंट और नए करेक्टर्स
एडाप्ट कर लिए हैं। ठीक है, इसी शिप पे आगे मैं आपको बताऊंगा एक और इसके साथ साथी था जो जियोलॉजिस्ट था, और वो था चार्ल्स लाइल। ये इसकी पिक्चर है, ठीक है, उसकी तरफ भी हम जाते हैं। ठीक है, तो ये डार्विन ने क्या किया कि चूंकि उसको नेचर को स्टडी करने का शौक डिवेलप हुआ, तो उसने एक ऐसे शिप में कैप्टन की जॉब की जिसने डिफरेंट आइलैंड्स पे जाना था, और 5 साल का वो सफर था। तो वो क्या करता था, हर आइलैंड पे जाके उधर के फ्लोरा को स्टडी कर रहा था, फौना को स्टडी कर रहा था। इसके साथ साथ वो क्या करता था कि वो वहाँ पे जो डिफरेंट फॉसिल्स है उनको डिस्कवर करता था, उनको वहाँ पे खोद खोद के डिफरेंट फॉसिल्स निकालता था और उनको कंपेयर करता था विद द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म, और देखता था कि वो फॉसिल किस हालत में थे और अब किस हालत में आ चुके हैं प्रेजेंट डे में, और कौन कौन से करेक्टर्स उसने अडॉप्ट किए हैं, और कौन कौन से करेक्टर्स जो है या कौन कौन से ऑर्गन उससे डिस यूज की वजह से लॉस हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो स्टडी कर रहा था। अच्छा, अब डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किस तरह आई, ऑन रिटर्न फ्रॉम द ग्रेट वॉयज, वापसी वो 1836 में 1836 एडी में वो उस ग्रेट वॉयज से 5 साल बाद वापिस आया अपने सिटी। सो डार्विन स्टार्ट, उसके बाद क्या किया डार्विन ने, स्टार्ट राइटिंग एन एसे ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द ट्रिप। तो वो जो जो ऑब्जर्वेशंस करता रहा ट्रिप के दौरान, और वो सारा जो उसका मटेरियल था जो स्टडी किया था उसने नोट किया था, उसको वो क्या कर रहा था एक एसे की फॉर्म में उसने सबको लिख लिया। ठीक है, जो जो ऑब्जर्व किया था और जो जो उसकी फाइंडिंग्स थी। सो जब उसने ये अपना एसे जो उसके साथ वो एक और ट्रिप पे था चार्ल्स लाइल जो जियोलॉजिस्ट था, चार्ल्स लाइल भी हमारे पास जियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं कि जो हमारे पास अर्थ को स्टडी करते हैं, तो ये जियोलॉजिस्ट मोस्टली जो है ये फॉसिल को स्टडी करते हैं। तो एचएमएस बीगल शिप में चार्ल्स लाइल भी जो है वो डार्विन के साथ था, तो यही इसको मदद करता था उन फॉसिल्स को स्टडी करने में, ये इसको बताता था कि ये फॉसिल किस चीज़ के और कितने साल पुराना है, और उसी के मदद से जो है फिर डार्विन जो है वो फिर कंपेयर करता था, लाइक ये भी फॉसिल है भाई, ये हमारे पास 20,000 साल पुराना है और ये इस प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म अब इस हालत में है, तो उसको कंपेयर करता था और फिर देखता था कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं और किस तरह ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव किया इसने इन 20 सालों के दौरान। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब वो उसने अपने सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को एक ऐसे की फॉर्म में लिख लिया, तो वो ऐसे उसने अपने उसी फ्रेंड जो चार्ल्स लाइल था जो जियोलॉजिस्ट था उसको दिखाया, तो चार्ल्स लाइल ने उसके ऐसे की बहुत ज्यादा तारीफ की और उसने उसको सजेस्ट किया, एक आइडिया दिया कि क्यों ना आप अपने इस ऐसे को पब्लिश कर लें। पब्लिश इस तरह करते हैं कि आजकल तो हम ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं, पिछले ज़माने में ये होता था कि या तो आप कुछ रिसर्च आर्टिकल लिख लेते थे और डिफरेंट जर्नल्स होते हैं हमारे पास जिसमें वो पब्लिश हो जाता है, और वो जर्नल्स जो हैं वो तमाम साइंटिस्ट की पहुँच में होते हैं, तमाम साइंटिस्ट तक भेजे जाते हैं ताकि हर पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको पता चल जाए कि कौन सा नया काम हो रहा है इस फील्ड के अंदर। और दूसरा ये है पब्लिकेशन में कि आप क्या करें, अपनी एक बुक पब्लिश कर लें और उस बुक की फिर एडवर्टाइजमेंट करें, तो लोग खुद ही वो बुक लेके पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसने क्या डिफरेंट वर्क किया है और क्या इसने एवोल्यूशन की फील्ड में कौन से नई चीज़ जो है उसको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इसी तरह इसने जब ऐसे लिख लिया तो चार्ल्स लाइल ने इसको सजेस्ट किया कि आप भी जो है अपना ऐसे ये पब्लिश कर लो, लेकिन चूंकि डार्विन के पास सारी ऑब्जर्वेशंस थी उस टाइम, ठीक है ना, और कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एविडेंस नहीं था, सो डार्विन चाहता था कि वो क्या करे, वो एविडेंसेस कलेक्ट करे इस अपने ऑब्जर्वेशंस की सपोर्ट में, ठीक है ना, बिकॉज चूंकि एवोल्यूशन एक बायोलॉजी की फील्ड और बायोलॉजी हमारे पास साइंस की फील्ड, और साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस हम किस तरह कहते हैं कि जो भी चीज़ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय आवर 5 senses या बाय ऑब्जर्वेशन and is proved through experiment is known as a science, कि कोई भी चीज़ मुशाहदात से हासिल हो और फिर वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए उसको हम साइंस कहेंगे। तो अब डार्विन के पास सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, लाइक वो स्टडी कर रहा था कि ये इस तरह ये इस तरह फ्लोरा है और ये इस तरह फॉना है, और जब उसने फॉसिल के साथ कंपेयर किया तो उसको डिफरेंट स्टेजेस मिले, तो उसने ये स्टडी किया कि इस स्टेज से हो के ये ऑर्गेनिज्म इस हालत में आया और उसने ये करेक्टर अडॉप्ट किए, ये करेक्टर उसने ये ऑर्गन्स जो है उससे रिड्यूस हो गए या लॉस हो गए हैं। तो ये सारी तो ऑब्जर्वेशन तो थी उसके पास, लेकिन वो क्या करना जमा करना चाह रहा था, एविडेंसेस जमा करना चाह रहा था, उसके पास एविडेंस या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। अब क्या हुआ कि वो एविडेंसेस का सोच ही रहा था कि इन द मीन टाइम ही रिसीव्ड द एसे ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम अल्फ्रेड रसल।
ठीक है, ये जो अल्फ्रेड रसल इसके साथ साथ ही था, जो भी वो भी इसके साथ क्या कर रहा था, नेचर को स्टडी कर रहा था। ठीक है, तो जब डार्विन ने ये अपना ऐसे लिख लिया तो, और वो एविडेंसेस का सोच रहा था, तो उसी टाइम इसने एक ऐसे रिसीव किया, अल्फ्रेड रसल ने इसको ऐसे भेजा, और उसमें वही सेम कॉन्सेप्ट था कि जो कॉन्सेप्ट डार्विन ने डेवलप किया था और जो ऐसे लिखा था। तो फिर डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने सोचा कि अब हमारे पास दो लोगों का एक ही जैसे ऑब्जर्वेशन है, तो जाहिर बात है इसके लिए एविडेंसेस, उन्होंने उसने फिर क्या किया, एविडेंसेस जमा नहीं किया, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं लाया अपनी थ्योरी में। तो उसने फिर क्या किया कि उसने अपने एसे को और जो अल्फ्रेड रसल का एसे था, उन दोनों को कंबाइन करके एक बुक पब्लिश की, जिस बुक का नाम उसने रखा ओरिजन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, और इसी ओरिजन ऑफ न्यू स्पीशीज में उसने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की, जिस थ्योरी को उसने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब हम कहते हैं इसकी थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर हम इसकी थ्योरी क्या कहते हैं, इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, दैट नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। डार्विन के मुताबिक हमारे पास लमार्क क्या कह रहा था कि सबसे मेन चीज है एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और उसी एनवायरनमेंट की वजह से चेंज प्रोड्यूस होती है और एवोल्यूशन काज होती है। डार्विन का कॉन्सेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन, वो और नेचुरल सिलेक्शन का क्या फिनोमिना है, वो कहते हैं कि एक नेचर यानी कि एक पावरफुल सोर्स है। ठीक है, हम लोग नेचर किसे कहते हैं या कुदरत किसे कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला है। तो उसने एक वर्ड यूज़ किया नेचुरल सिलेक्शन के, ये सारी जितनी भी चेंजेस होती हैं ये उस नेचर के कंट्रोल में होती हैं, और नेचर जो है वो ये डिफरेंट करेक्टर्स प्रोड्यूस कराती है, और नेचर ही जो है वो कुछ करेक्टर्स को लॉस करवा देती है, और नेचर की वजह से ही जो है ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं और सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस नेचुरल सिलेक्शन की समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक किस तरह, मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो डार्विन के मुताबिक जो हमारे पास जितना भी प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, ये नेचर के कंट्रोल में होता है। लाइक अगर हम देखें नेचर, तो हमारे सामने नेचर क्या है, अल्लाह ताला की हस्ती है। तो उसने वर्ड नेचर का यूज किया कि ये जो कुछ होता है वो नेचर की तरफ से होता है, और एनवायरमेंट वगैरह का कोई ज्यादा रोल इसमें नहीं है। ठीक है, तो इन दिस थ्योरी ही प्रोपोज डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेज, उसने अपनी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पेश की इस थ्योरी में, और उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे इसने कुछ पॉइंट्स दिए, जिसको उसने इन्फ्रेंसेस का नाम दिया, या कंक्लूजन भी हम कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम कल से जो मैं आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सारे हम एक एक सारी ऑब्जर्वेशन भी पढ़ेंगे, और उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने क्या क्या कंक्लूजन दिए और कौन कौन से इन्फ्रेंसेज निकाले हैं वो भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो आज तक इतना काफ़ी है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और कुछ भी अगर समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन क्या करें, और पुराने भी लेक्चर्स अगर आप लोग स्टडी करते हैं और उसमें भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो वो भी लाजमी आप लोग जो है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दिया करें। लेकिन ये ध्यान रखा करें कि ऐसा ना हो कि आप लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें कोई क्वेश्चन आया और आप वहाँ पीछे लेक्चर नंबर 2 में जाके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उसी में क्वेश्चन करें, ताकि मैं पढ़ भी लूँ, क्योंकि पुराने लेक्चर्स के कमेंट्स तो अब मैं हर व्यापारी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास, और आप सब का रमज़ान अच्छा गुजर जाए, और बस दुआ करें कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन भी जल्दी ख़त्म हो, और इस रमज़ान में अल्लाह से ये भी दुआ करें कि बस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला इस दुनिया को निजात दिलाएं, और अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।